लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जान लिया था। आज हम कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालने किसी थिकनेस का तो हमारी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी और उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिस्टम है, ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, इसके बीच का सेपरेशन डी है और इसके बीच में हमने ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी थिकनेस टी है। तो वही जो हमने डाइलेक्ट्रिक में एक्सप्लेन कर चुके थे, अगर ये कैपेसिटर पॉजिटिव है, कैपेसिटर पॉजिटिव से तो यहाँ पोलराइजेशन होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा और इस माइनस की वजह से यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था डाइलेक्ट्रिक्स में। अब वही बेसिक हमारा पहले वाला जो बेसिक था कि हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। कैपेसिटेंस निकालने के चार स्टेप थे बेसिक, जो कि मैं वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटरमिनेंस ऑफ कैपेसिटेंस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। तो मान लो कि हमारा कैपेसिटर है जिसके जिसकी जिसका एरिया ए है और उसके बीच का सेपरेशन डी है, और हमने टी थिकनेस का हमने एक स्लैब डाला। तो उस स्लैब से क्या चेंज होगा, उस स्लैब से चेंज क्या आएगा कि मान लो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कुछ है तो उस स्लैब की डालने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ गया तो हमारे पोटेंशियल में भी चेंज आ जाएगा, और जब पोटेंशियल में चेंज आ गया तो हमारी कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो कैपेसिटेंस किस तरह चेंज होगी वो हम अभी ड्राइव करेंगे। तो हमारा लक्ष्य अभी कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला स्पेस एयर से है, तो E1 = E3 = σ/ε0 होगा। E1 = E3 = σ/ε0 होगा, और हमारा E2, क्योंकि इसकी अगर मान लो कि कैप जो हमने डायलैक्ट्रिक डाला उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा V1 + V3 यानी कि जो ये पोटेंशियल होगा, जो ये पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, E1 dot D1 यानी कि E dot DL होता है। तो हमारा ई भी इसी डायरेक्शन में और डी एल भी इसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा। तो E1 एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ आपको, V1 क्या होगा इस पॉजिटिव वाली प्लेट से डायरेक्शन में और इस माइनस वाली से डायरेक्शन में E1 dot DL, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री यानी कि E1 dl हो जाएगा, और DL कितना है T1, तो ये हो जाएगा E1 और T1। और ऐसी सिमिलरली V3 हो जाएगा E3 T3, ऐसे ही V3 हो जाएगा E3 T3, और V2 क्या होगा E2 × T सिमिलरली, क्योंकि इस केस में भी 0 से T चलेंगे, क्योंकि यहाँ मान लो यहाँ रेफरेंस ले लें और 0 से T चलें तो हमारा E2 × T आ जाएगा। जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे V = V1 + V2 + V3 तो हम पाएंगे σ/ε0 T1 + T3 एंड σ/ε0 K T। तो T1 अगर T3 देखें तो हमारा टोटल थिकनेस क्या है, T टोटल थिकनेस उसकी क्या है डायलैक्ट्रिक की T, और इस उसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का स्पेस क्या है डी। अगर डी में से हम टी घटा दें तो हमारा बाद बाकी का क्या बचेगा, T1 + T3। वही हमने अगले स्टेप में यही करा है, D - T और +T/K। तो जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो V = σ/ε0 D - T + T/K, और हम जानते हैं C = Q/V। तो जब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे और Q = σA होता है, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया और सी हमारा आ गया A εr D - T + T/K। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो हमारी कैपेसिटेंस कुछ इस तरह होगी, A εr D - T + T/K। अब कुछ पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं जो हमें याद मतलब हमें ऑब्जर्व करने हैं इस फॉर्मूले से। हमारा जो फॉर्मूला आया उससे हमें पता चलता है कि अगर हम टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कहीं भी रखें, किसी भी पोजीशन पर रखें, हमारी कैपेसिटेंस वही होगी, कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन मैटर नहीं करती है कैपेसिटेंस में, जब हम तो कोई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अलग अंदर डालते हैं। तो और
अगर हमारा कंडक्टिंग स्लैब है, अगर हमारा कंडक्टिंग स्लैब है और उसका हम जानते हैं के इन्फिनिटी होता है, जब के इन्फिनिटी होता है तो ये टी अपॉन के जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो को टेंड करता है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। अब इसी में मान लो कि हमारे जो हमने मेटल कंडक्टिंग स्लैब डाला यानी कि मेटल प्लेट डाली उसकी थिकनेस डी से बहुत छोटी है, तो डी से बहुत छोटी है तो ये भी हमारा जीरो को टेंड कर जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो को टेंड कर जाएगा, तो जो हमारी कैपेसिटेंस वो भी वही सेम होगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम कोई थिन यानी कि बहुत ही पतली प्लेट डालें कैपेसिटर में तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। अब मान लो कि अभी तो हमने एक के केस में ड्राइव किया, अभी हमने एक केस में ड्राइव किया कि हमने एक ही प्लेट एक ही डाइलेक्ट्रिक डाला था, यदि अब हम बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं जिनकी थिकनेस अलग अलग है T1, T2 तो T3, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं और हमें पता है कि पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम क्या करें T को समेशन ऑफ T लिखते हैं यानी कि सभी प्लेट्स का समेशन लिखते हैं और टी अपॉन के को हम लिखते हैं TI अपॉन KI और उसका समेशन करते हैं जितनी प्लेट्स हैं, क्योंकि जो TI है वो D होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो हम मान रहे हैं फुली उसको उस स्लैब को फुली अरेंज किया है। अगर मान लो कि हमने स्लैब ऐसा डाला कि जितनी भी थिकनेस है उन डायलैक्ट्रिक्स की वो D के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यदि ये हमारा डायलैक्ट्रिक का बीच का सेपरेशन D है और हमने स्लैब इस तरह डाला कि ये हमारा पूरा कवर कर ले रहा है लेकिन उनके बीच की, तो स्लैब कुछ इस तरह से होंगे, स्लैब कुछ इस तरह से होंगे, तो हम समेशन ऑफ TI की जगह हम D रख देंगे और D से D कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये कोई नहीं, ये केस है वो जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है, और वैसे जनरल एक्सप्रेशन ये वाला होगा अगर हमारे T1 T2 फुली अगर हम नहीं डाल रहे हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। अब हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ये कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप डायलैक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ये होगा, और अगर एक प्लेट डाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, सिर्फ हमने वही चार स्टेप फॉलो करे जो हमने प्रीवियसली उस वीडियो में करे थे, और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें जाके, पीछे मैं मेंशन कर चुका हूँ। और हम यहाँ लेक्चर ये यहीं ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगर डायलैक्ट्रिक कोई स्लैब है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब को हम उसमें अंदर डालते हैं तो उस पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।